दोस्तों एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग के निर्माण में सहायक होता है। स्वस्थ रहने की पहली शर्त है आपकी पाचन शक्ति का सुदृढ़ होना। भोजन के उचित पाचन के अभाव में शरीर अस्वस्थ हो जाता है, मस्तिष्क शिथिल हो जाता है और कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। जिस प्रकार व्यायाम में अनुशासन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार भोजन में भी अनुशासन महत्वपूर्ण है। अधिक खाना, अनियमित खाना, देर रात तक जागना, ये सारी स्थितियां आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करती हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि पाचन शक्ति को दुर्बल होने से बचाएं। पाचन तंत्र की दुर्बलता दूर करने के लिए खाना खाने के बाद पेट में खाना पचेगा या खाना सड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। हमने रोटी खाई, हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई, हमने दही खाया, लस्सी पी, दूध, दही, छाछ, लस्सी, फल आदि, ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। ये सब कुछ हमको ऊर्जा देता है और पेट उस ऊर्जा को आगे ट्रांसफर करता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अमाशय। उसी स्थान का संस्कृत नाम है जठर। उसी स्थान को अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। ये एक थैली की तरह होता है और यह जठर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में आता है। ये बहुत छोटा सा स्थान है, इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है। हम कुछ भी खाते सभी अमाशय में आ जाता है। अमाशय में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठराग्नि। ये जठराग्नि है जो अमाशय में प्रदीप्त होने वाली आग है। ऐसे ही पेट में होता है, जैसे ही आपने खाना खाया कि जठराग्नि प्रदीप्त हो गई। यह ऑटोमेटिक है, जैसे ही आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला कि इधर जठराग्नि प्रदीप्त हो गई। यह अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता है। अब आपने खाते ही गटागट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, और कई लोग तो बोतल पे बोतल पी जाते हैं। अब जो आग जल रही थी वो बुझ गई। आग अगर बुझ गई तो खाने की पचने की जो क्रिया है वो रुक गई। अब हमेशा याद रखें कि खाना जाने पर हमारे पेट में दो ही क्रिया होती है, एक क्रिया जिसको हम कहते हैं डाइजेशन और दूसरी है फर्मेंशन। फर्मेंशन का मतलब है सड़न और डाइजेशन का मतलब है पचना। आयुर्वेद के हिसाब से आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उसे रस बनेगा, जो रस बनेगा तो उसी रस से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियां, मल मूत्र और अस्थियां बनेगा, और सबसे अंत में मेद बनेगा। ये तभी होगा जब खाना पचेगा। ये तो हुई खाना पचने की बात। खाना नहीं पचने पर बनता है यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, और यही आपके शरीर के रोगों का घर बनाते हैं। पेट में बनने वाला यही जहर जब ज्यादा बढ़कर खून में आते हैं तो खून दिल की नाड़ियों में से निकल नहीं पाता, और थोड़ा थोड़ा कचरा जो खून में आया है इकट्ठा हो जाता है और एक दिन नाड़ी ब्लॉक कर देता है, जिससे आप हार्ट अटैक कहते हैं। तो हमें जिंदगी में इस बात पर ध्यान देना है कि जो हम खा रहे हैं उस शरीर में ठीक से पचना चाहिए, और खाना ठीक से पचना चाहिए। इसके लिए पेट में ठीक से आग यानी जठराग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए, क्योंकि बिना आग के खाना पचता नहीं है और खाना पकता भी नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि खाना खाते वक्त पानी बिल्कुल भी ना पिए। आपको आवश्यकता है तो एक दो घूंट पानी पी लीजिए। खाना खाने के आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के बाद ही पानी पीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करें, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, और हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो अगले एपिसोड में फिर से मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।